अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शगुफ्ता किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेमन चटकारा बोटी की रेसिपी, जिसे हम मटन फ्राई भी बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये लेमन चटकारा बोटी जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपका फैन हो जाने वाला है और आपकी तारीफ करते नहीं हटेंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली है, तो चलिए फटाफट से लेमन चटकारा बोटी बनाना शुरू करते हैं। तो लेमन चटकारा बोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब मटन लिया है और ये देखिए हमने इसके मीडियम साइज के पीसीज करा लिए हैं। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है, इस तरह से इसके पीसीज होने चाहिए। अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं। और मटन को बॉईल करने के लिए यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। मटन को कुकर में डालने के बाद अब इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और एक मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक इसमें भी हम हाफ टेबल स्पून ही डालेंगे क्योंकि बाद में चाट मसाला और काला नमक भी डालना है। अब इन सभी चीज़ों को मटन में एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर की लीड लगाकर 6-7 सीटी आने तक मटन को 90% तक गला लेंगे। और जब तक हमारा मटन बनकर तैयार होता है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून सादा नमक और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसमें चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। चटकारा बोटी का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, इसके बिना लेमन चटकारा बोटी का टेस्ट अधूरा होता है। और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ मेरे पास एक पैकेट ओरिगैनो का रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल देंगे। डालना बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना तो स्किप कर दें। और 1/2 टेबल स्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे, अगर आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और 1 नींबू का रस डाल देंगे, लेमन चटकारा बोटी है तो इसमें नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और लास्ट में 1 पिंच रेड फूड कलर भी डाल देंगे। अब सभी मसालों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और मसालों में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम कुकर की लीड को खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मटन 90% तक अच्छे से कुक हो चुका है। मटन में आपको जितना पानी दिखाई दे रहा है हम इसमें इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा पानी को नहीं सुखाएंगे, इससे मसालों की कोटिंग मटन पर अच्छे से होगी। और अब हम इस तैयार मसाले में मटन को डाल देंगे। अब मसालों को मटन के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसालों की कोटिंग मटन पर अच्छे से हो जाए। और मसालों को हमने मटन के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच अरारोट डाल देंगे, अगर आपके पास अरारोट ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। अरारोट को डालने से मटन के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छी होती है। अरारोट को मटन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम मटन को उठाकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले मटन के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं। तो मटन को हमने 10 मिनट के बाद फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं कि मटन के ऊपर मसालों की कोटिंग कितने अच्छे से हो गई है। और इधर दूसरी साइड में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और गर्म तेल में मटन के 1-1 पीस को करके डाल देंगे। इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और चटकारा बोटी को एक साइड से 5 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। और चटकारा बोटी को हमने एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसको हम दूसरी साइड से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी चटकारा बोटी का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। 1-1 करके सभी पीस को दूसरी साइड से पलट देंगे और चटकारा बोटी को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। तो चटकारा बोटी को हमने दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, अब इसको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारी चटकारा बोटी का कलर एकदम चेंज हो गया है, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और बाकी के बचे मटन को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आपको आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा होगा कि हमारी लेमन चटकारा बोटी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो ये लीजिए तैयार है हमारी क्रिस्पी टेस्टी क्रंची लेमन चटकारा बोटी। और ये बाहर से देखने में जितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है अंदर से उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनी है। तो चलिए मैं आपको एक चटकारा बोटी तोड़कर दिखा देती हूँ, ये बाहर से जितनी ज़्यादा क्रिस्पी है अंदर से कितनी ज़्यादा नरम बनी है आपको मेरे तोड़ने से ही पता चल रहा होगा।
तो आप ये रेसिपी बनाकर अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। रेसिपी आपकी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये रेसिपी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाती है। अगर अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप लेमन चटकारा बोटी बनाकर उनके सामने सर्व कीजिए। रेसिपी उनको बहुत पसंद आएगी। आप ये क्रिस्पी, टेस्टी, क्रंची लेमन चटकारा बोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए। ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।